हेलो दोस्तों, हाल ही में भारत ने चाइना के 59 ऐप को बैन किया और इसी पहल के तहत ताकि विदेशी ऐप फिर से भारत पे कदम ना रखें और भारत का पैसा भारत पे ही रहे। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मकसद भारत में ऐप बनाना है और विदेशी ऐप को इंडियन ऐप से रिप्लेस करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और नीति आयोग ने आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत आपको 8 डिफरेंट कैटेगरी में ऐप को डिजाइन करना है। ये कैटेगरी है ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, इंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, न्यूज, गेम्स, बिजनेस इंक्लूडिंग एग्रीटेक, और इसके अंतर्गत कई सारी सब कैटेगरी भी हैं। हर कैटेगरी के विनर को प्राइज मिलेगा और अपने ऐप को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलेगा। फर्स्ट विनर को मिलेगा 20 लाख रुपए, सेकंड विनर को मिलेगा 15 लाख रुपए और थर्ड विनर को मिलेगा 10 लाख रुपए। वहीं पर सब कैटेगरी में आपको मिलेगा 5 लाख रुपए, सेकंड विनर को मिलेगा 3 लाख रुपए और थर्ड विनर को मिलेगा 2 लाख रुपए। दोस्तों, एक बहुत अच्छा मौका है अपने देश के लिए ऐप बना के नाम और पैसे कमाने का। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस चैलेंज के डिटेल के बारे में, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैलेंज को डिटेल में जानने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, आपको उस पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे माय गवर्नमेंट की इस ऑफिशियल वेबसाइट में। यहां पे आपको डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत चैलेंज का लिंक दिखने के लिए मिल जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आप आ जाएंगे इसके डिटेल में। यहां पे जब आप नीचे आके देखते हैं तो यहां पे आपको सारी कैटेगरी और सब कैटेगरी को बताया गया है। अगर आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको प्रोसेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे चैलेंज में पार्ट लेने के लिए प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताया गया है। अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इंडियन स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। आप ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई 2020। इसके पहले आपको माई गवर्नमेंट की वेबसाइट में आके अपने प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। याद रखिए, आपको अपने प्रोडक्ट का सिर्फ आइडिया सबमिट नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में होना चाहिए, मतलब इनिशियल कोडिंग हो गई होनी चाहिए। अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिया तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपको अपना इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही सही फिल करना है। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन फिल किया तो आपका एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। आपके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन कुछ पैरामीटर पे खरे उतरने चाहिए, वो है इजी टू यूज, सिक्योर और रोबस्ट। बात की जाए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की तो ये 2 स्टेज में कंप्लीट होगा। पहले स्टेज में स्क्रीनिंग होगी जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, वहीं पे सेकंड स्टेज में आपको लाइव डेमोस का शो करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट में। अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 18 जुलाई शाम 5:30 के पहले आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। अगर बात की जाए स्क्रीनिंग प्रोसेस की तो वो होगी 20 से 24 जुलाई के बीच में। जूरी द्वारा इवोल्यूशन होगा 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में और 7 अगस्त को आपको आपका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसमें मिलने वाले अवार्ड्स में। हर कैटेगरी के फर्स्ट विनर को मिलेगा 20 लाख रुपए, सेकंड विनर को मिलेगा 15 लाख रुपए और थर्ड विनर को मिलेगा 10 लाख रुपए। वहीं पर सब कैटेगरी में भी यहां पर आपको प्राइजेस देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट विनर को मिलेगा 5 लाख रुपए, सेकंड विनर को मिलेगा 3 लाख रुपए और थर्ड विनर को मिलेगा 2 लाख रुपए। अब हम आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन पे। जो लोग इस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। वहीं पे फाइनल डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी द्वारा लिया जाएगा थ्रू आउट सिलेक्शन प्रोसेस। तीसरा, आपको यहां पे अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट ही सबमिट करना है, किसी भी तरह की कॉपीराइटेड चीजों को यूज नहीं करना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। फोर्थ, आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के राइट्स आपके पास ही होंगे और ऐसे में अगर आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मदद मिलेगी। इस चैलेंज पे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहां पे पार्टिसिपेट का मेन्यू देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सिंपल अपने जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है हम सबके पास अपने देश के लिए एक अच्छा सा ऐप डेवलप करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।